नरवर थाना अंतर्गत ग्राम कठेंगरा के चुरवारे सरकार मंदिर पर प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार भी 18 जनवरी को भंडारे का आयोजन किया गया था। वहां भंडारे के दौरान मौजपुर, धर्मपुरा, गनियार के कुशवाहा समाज के लोगों का झगड़ा पारागढ़ के बघेल समाज के कुछ लोगों से हो गया था। इसका प्रकरण नरवर थाने में दर्ज किया गया था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ग्राम मौजपुर के कुछ लोगों ने पारागढ़ के लोगों से मारपीट की। इस वजह से दोनों ही समाज के लोगों के बीच तनाव एवं वैमनस्यता बढ़ी हुई थी। तनाव की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही थी। इस संबंध में प्रशासन के द्वारा अलग अलग ग्रामों में जाकर ग्रामीणों से चर्चा कर मीटिंग की गई। दोनों पक्षों के बुजुर्ग और बुद्धिमान लोगों को समझाया गया। इस पर आज दोनों पक्षों ने नरवा लोहड़ी माता मंदिर पर एकत्रित होकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के साथ राजीनामा किया और माता की शपथ ली कि हम आइंदा से ग्रामीणों के बीच कोई झगड़ा नहीं रहेगा। यदि कोई तनाव की स्थिति बनती है तो प्रशासन के द्वारा 20 सदस्य समिति गठित की गई है। वो समिति से चर्चा किए बगैर थाने में शिकायत नहीं की जाएगी। ऐसा आपस में दोनों पक्षों के बीच समन्वय स्थापित हुआ है। इसमें पशुधन कुक्कुट विकास निगम चेयरमैन कैबिनेट मंत्री दर्जा जसवंत जाटव, तहसीलदार नरवर रुचि अग्रवाल, जनपद सीओ एनके पाठक, टीआई नरवर मनीष शर्मा की महत्वपूर्ण दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने में भूमिका निभाई। सर, जो अभी कुछ दिन पहले दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था किसी कारण, आज उनको बिठाकर कुछ बात हुई है। सर, क्या कुछ हुआ है? ये ग्राम कठेंगरा थाना नरवर में पड़ता है। यहाँ पर एक चुरवाहा हनुमान जी का मंदिर है। इसे प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन होता है। इस बार 18 जनवरी को वहाँ पर भंडारा था और उसी भंडारे के दौरान ग्राम मौजपुर, धर्मपुरा, गनियार के लोगों का झगड़ा, कुशवा समाज के लोगों का झगड़ा पारागढ़ के बघेले समाज के लोगों से हो गया था, जिसकी अपराध यहाँ पर कायम हुआ। और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप दिनांक 24 को मौजपुर के कुछ ग्रामीणों की मारपीट पारागढ़ के कुछ लोगों ने कर दी थी। इस बात से दोनों ही ग्रामों के बीच में तनाव और वैमनस्यता बढ़ी हुई थी। काफ़ी वर्षों से भी ये प्रक्रिया इनके बीच में चली आ रही थी तनाव की। इस संबंध में अलग अलग ग्रामीणों में जाकर, उन ग्रामों में जाकर ग्रामीणों से चर्चा करके मीटिंग ली गई। दोनों पक्षों के अच्छे बुद्धिमान लोगों को और जो बुजुर्ग लोग हैं और जो सर्वसम्मत लोग हैं उनको समझाया गया। इस पर आज दोनों ही पक्ष एकत्रित हुए लोहड़ी माता मंदिर नरवर पर और दोनों ही पक्षों ने सहर्ष सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के साथ राजीनामा किया और लोहड़ी माता की शपथ ली कि हम आइंदा से ग्राम के बीच में झगड़ा समाप्त रहेगा और यदि कोई भी झगड़ा या कोई ऐसे तनाव की स्थिति आएगी तो उसके लिए एक समिति नियुक्त की गई है 20 लोगों की। उससे ही चर्चा होने के उपरांत कोई भी रिपोर्ट वगैरह थाने पर की जाएगी। ऐसा आपस उनका समन्वय हुआ है। और ये प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधि श्री जसवंत जाटव जी, इनके अथक प्रयासों से यह हो पाना संभव हुआ है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, धर्मपुरा, मौजपुर, गनियार और पारागढ़ के ग्रामीण जनों का, जो उन्होंने अपनी दरियादिली दिखाते हुए एक दूसरे को माफ़ किया और इस प्रकार से क्षेत्र में शांति स्थापित की। मैं मनीष कुमार शर्मा हूँ, टीआई नरवर हूँ, थाने नरवर पर, जिला शिवपुरी में। दोनों पक्षों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं दोनों पक्षों के लिए नहीं बल्कि इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए, जितने वासी हैं यहाँ के, सभी के लिए यह मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जाति धर्म की इस तरह की कि साहब मेरे फला मूर्ति की आप क्यों पूजा कर रहे हो, फला महाराणा प्रताप की आप क्यों रैली निकाल रहे हो, या आप इस वाले मंदिर पर भंडारा क्यों कर रहे हो, इसको सब पृथक होकर के केवल एक भारतीय नागरिक की तरह और शांति स्थापित रखें, और जिससे कि हम लोग अपना शांति प्रिय माहौल में ग्राम विकास की ओर, अपने परिवार विकास की ओर ध्यान दे सकें, बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान दे सकें और अपना जो है खेतीबाड़ी की ओर ध्यान दें, जिससे कि आप लोगों की आर्थिक उन्नति हो। इन ये फालतू के लड़ाई झगड़ों में कोई विशेष बात